बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिरकार सेक्रेटरी फाइनेंस का रद्द अमल भी सामने आया है। एप्का के मरकज़ी सदर हाजी इरशाद चौधरी साहब ने सेक्रेटरी फाइनेंस से मुलाकात की है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जाग या मुलाजम जाग कैंपेन के तहत 40 घंटे जनरल हाउस सेवन क्लब के बाहर धरना देने के बाद आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजिशन में आ गए हैं कि पूरा साल 2021 सड़कों पर गुजारा, नमाज ईदैन वज़ीर आला हाउस के बाहर अदा की कि 25% का हुलिया क्यों बगाड़ा। हुलिया बगाड़ने में ब्यूरोक्रेसी का साथ देने वाले, डांस करने वाले खामोश रहे, लेकिन हम सड़कों पर रहे। आज हम दो एंगल से अमली तौर पर भी 40 घंटे का धरना देकर मुलाजमीन की खिदमत करने में सुरखरू हुए और अल्लाह ताला की मेहरबानी से 16 मार्च को 3 हमारी रेट पिटिशन के ऊपर हेयरिंग हुई चीफ सेक्रेटरी साहब के पास। आज बकिया हमारे 8 पिटिशनर्स की रेट पिटिशन जो पीएससी की तरफ से डायरेक्शन थी चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये 25% का हो गया दुरुस्त करते हुए इसको भी रिवाइज करके एन वफाक के मुताबिक पंजाब के मुलाजमीन को दिया जाए। 8 हमारे पिटिशनर्स की आज भी मेंबर इंक्वायरी 3 नासर अफजल खान साहब के साथ हेयरिंग हो गई है, उन्होंने भी एग्री किया है कि आपका मौका दुरुस्त है। तो दोस्तों, पंजाब भर के मुलाजमीन कैदीन भाइयों जो एप्का का साथ दे रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि 15% के ऊपर आज सेक्टरी फाइनेंस इफ्तिखार अमजद साहब से इन डिटेल मीटिंग अभी हुई है जुमे के बाद, तो उन्होंने मुबारकबाद दे दी है कि साहब आपका पिछला मुतालबा वो दोना मैंने धो दिया कि लूला लंगड़ा था उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, तो ये 15% इन एडवांस आपको मैं कह रहा हूँ अपने साथियों को मुबारकबाद दें कि 15% रनिंग के ऊपर और ये तो मार्च से अहम फाक के मुताबिक मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये अपील करूंगा पंजाब भर के मुलाजमीन बहन भाइयों और मुल्क भर के मुलाजमीन बहन भाइयों के मुलाजमीन के हकूक का नुकसान करने वालों को जरा अपना पहचान लें, उनके ऊपर नजर रखें। पूरा साल ये हुलिया बिगड़े के ऊपर 25% के ऊपर नहीं बोले, आज भी ये असल हालत में मांगने की वजह से भी ये कह रहे थे नोटिफिकेशन हो जाए, तो हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारे पिछले पूरे साल की जदोजहद रहेगा नहीं गई, अब ये 15% भी रनिंग के ऊपर मिलेगा और 25% का भी हुलिया जल्द इंशाल्लाह दुरुस्त होगा।